अस्सलामुअलैकुम। आज ऐसे है कि मैं जो है एक 3-4 दिन के टूर पे जा रहा हूँ यहाँ इंडोनेशिया में, मुख्तलिफ शहर को एक्सप्लोर करूँगा और जो है मुख्तलिफ बीचेस को। तो अभी जो है मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो काफ़ी सारे लोगों का इसरार होता है कि यहाँ जो एक्सप्लोर चीज़ें मैं करता हूँ उनके बारे में बताता रहूँ। तो खैर, अब जो है मैं जा रहा हूँ। तो अभी मैंने जो है यहाँ से मोटरसाइकिल ऑर्डर किया, इस पर बैठ के टर्मिनल तक जाएंगे, टर्मिनल से फिर अगले शहर की रवानगी होगी। इस टाइम जो है इंडोनेशिया में, मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन भी है जिसको 9 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था, और हालात अब बेहतर हैं कोविड के। तो अब ऐसे है कि अब मैं वेट करूँ मोटरसाइकिल का, एप्लीकेशन के ज़रिए मैंने ऑर्डर किया है। तो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है टर्मिनल, वो आ जाए तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ये जो है मोटरसाइकिल पे आ गए हैं मोटरसाइकिल वाला, अब जो है मैं इनके साथ जाऊँगा। और अब जो है ये हेलमेट मुझे दे रहे हैं, तो हेलमेट पहन के इनके साथ जाऊँगा। मैं जो हूँ अब टर्मिनल पे पहुँच गया हूँ। तो सबसे पहले तो आपसे एक माजरत है कि ये टूर जो है 4-5 दिन का होगा, मुख्तलिफ जगहें होंगी, तो वहाँ पे हो सकता है वॉइस का इशू भी हो। तो अगर वॉइस का कोई इशू आता है तो उसके लिए एडवांस सॉरी, आपसे माजरत है। और इस टूर के अंदर आपको मुख्तलिफ फूड एक्सप्लोर करने को मिलेंगे, एडवेंचर होगा, थ्रिल होगा, उसके सस्पेंस होगा। तो कोशिश की जाएगी कि आपको जो है इंडोनेशिया के जो मुख्तलिफ कल्चर वगैरह हैं, फूड वगैरह है, उससे आपको आगाही दी जाए। एक्चुअली टूर करने का मकसद भी यही था कि जो मैं थक हार गया था, अकेले रहना आपको पता है आसान काम नहीं है, और फिर लॉकडाउन भी है और बड़े मसले मसाइल होते हैं। थक गया था, सोचा कि कुछ चेंज भी हो जाएगा, कुछ यहाँ जाने से पहले पाकिस्तान इंशाल्लाह चीज़ें भी एक्सप्लोर कर लें, घूम फिर भी लें। तो अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं एडवेंचर के साथ, थ्रिल के साथ, सस्पेंस के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ, कल्चर के साथ और फूड के साथ। टर्मिनल के अंदर वेटिंग रूम में आ गया हूँ, वेटिंग एरिया में। अब जो है यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ, तकरीबन 30 मिनट के बाद जो है मेरी जो शटल है वो यहाँ से जाएगी, और इस तरह जो है हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो ये प्राइवेट है, जैसे कि हाई रूफ होती हैं सिंध में, हाई रूफ कहलाती हैं या हाईएस्ट कहलाती हैं, तो ये वो सर्विस है टोयोटा की। तो चलें, अब आती है तो फिर आगे वीडियो का लेके चलते हैं। सफ़र में बंधे रहिएगा, बहुत एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सस्पेंस मिलने वाला है, इंटरटेनमेंट मिलने वाली है, तो वीडियो के साथ बंधे रहिएगा। जो है मैं जो है शटल में आ चुका हूँ और दूसरे सिटी के लिए जो है निकल चुका हूँ। तकरीबन ये मेरा सफ़र जो है लगभग 3 घंटे के करीब रहेगा। 3 घंटे के बाद जो है मैं एक सिटी पहुँचूँगा, वहाँ पे फिर एक इंडोनेशियन दोस्त है वो इंशाल्लाह पिक करने आ जाएगा, फिर आगे वहाँ पहुँच के जो है मज़ीद अपडेट करूँगा। अभी हमने स्टार्ट किया है
यहाँ तकरीबन जो है 2:45 हो रहे हैं, तो हमने नमाज भी पढ़ी है ज़ोहर की। तो अब जो है यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है, उसके बाद जो है हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे और फिर एक शहर में पहुँचेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, वहाँ फिर हमें जो है हमारे एक दोस्त जो है इंडोनेशियन मुझे रिसीव कर लेंगे और उसके बाद जो है हम आगे। तो अब हम जो है एक जगह पे जो है लंच के लिए रुके हैं। लंच का वैसे टाइम तो गुजर गया, लेकिन ये है कि यहाँ 4:30 होने वाले हैं। अभी हम आगे जो है सिटी जा रहे हैं, हमारे एक दोस्त हैं वो लेने आए हुए हैं, और हम यहाँ पे जो है जो खाना है वो भी मैं दिखाऊंगा क्या खा रहे हैं। ये मेरे दोस्त हैं मास बैंग। या माय नेम मास बैंग, थैंक यू। ओके, और ये इनके बेटे हैं, और ये जो है हमारे ये जो शॉप है इसके मालिक हैं, ओनर हैं। यू कैन से एनीथिंग। या और अब जो ये हमने आर्डर कुछ दिया है स्टैक, तो वो जब आएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास क्या क्या है। तो ये जो है यहाँ पे हमने स्टे किया है जगह पे, आप इसको रेस्टोरेंट कह सकते हैं, छोटा सा। तो मेन रोड पे ये, यहाँ से सिटी जो है तकरीबन 15 मिनट दूर है। अभी हम यहाँ खाना खा के फिर जो है वहाँ दोस्त के पास जाएंगे। तो यहाँ हम रुके हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ चिकन की चीज़ें भी अवेलेबल हैं और डिफरेंट यहाँ के ट्रेडिशनल फूड भी अवेलेबल हैं। जो है लंच में हमने आर्डर, मैंने जो आर्डर किया है वो जो है यहाँ इसको गपरेक कहते हैं, के साथ चावल हैं, और ये जो है चिकन के ऊपर कुछ जो लाल मिर्च होती है, ठीक है, उसका पेस्ट बना के डाल देते हैं, और ये क्रिस्पी होता है चिकन। और इसी तरह ये जो है स्टैक है, इसमें एक दोस्त ने चिकन में आर्डर किया और एक ने जो है और एक दोस्त ने जो है बीफ में आर्डर किया। अभी जो है मगरिब का टाइम हो गया, अभी हम जो है पहुँचे नहीं हैं दोस्त तक। दोस्त हमें लेने तो है, वो हमारे साथ ही है, लेकिन यह है कि अब यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया, तो इस मस्जिद में जो है हमने जो है मगरिब की नमाज़ अदा की है, और अब जो है आगे यहाँ से जा रहे हैं और फिर दोस्त के घर रात को स्टे करेंगे, और अगले दिन का जो है जो भी हमारा स्केड्यूल या प्लान हुआ वो फिर मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा।